के मशाल फाउंडेशन के अध्यक्ष आली जनाब वसीम खान साहब ने इतने आलीशान और खूबसूरत ऑल इंडिया मुशायरे का इनेकाद किया है। इनके साथ में बिजनौर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आली जनाब फजल रहमान अंसारी साहब लगे हुए हैं। बड़ी मेहनतें इन लोगों की, तो इन लोगों ने महोत्सव का इंतजाम किया है। दोस्तों, हम लोगों का ये जिम्मेदारी बनती है कि इस महोत्सव को महाउत्सव में तब्दील कर दे। मुंबई की बहादुर पुलिस भी यहाँ पर बैठी है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, एक आदमी एक बाबा के पास जाता है, बोलता है, बाबा मेरी बीवी मुझे रोज मारती है, रोज डांटती है, प्यार तो करती नहीं है, कुछ उपाय बताए कि मेरी बीवी मुझसे प्यार करे। बाबा कहते हैं, भगत कभी तूने उसके पकाए हुए खाने की तारीफ की है? तो वो कहता है नहीं। बाबा कहते हैं, आज घर जाओ, खाना खाओ, कल आके कैफियत बताना। अब ये पट्टा घर पे जाता है, बैठता है, पत्नी को कहता है, पत्नी जी लाइए क्या खाने को है। पत्नी जो है गरम गरम आलू के पराठे ला के रखती है। वो पहले ही लुकमा तोड़ता है, खाना शुरू करता है और तारीफ शुरू करता है कि पत्नी जी आपने क्या पराठे बनाए हैं, काजू पाड़ा की किसी होटल में नहीं मिलता है, साकीनाका की किसी होटल में नहीं मिलता है, कुरला की किसी होटल में नहीं मिलता है, अंधेरी की किसी होटल में नहीं मिलता है। पत्नी सुनते रहती है, रसोई में जाती है, बेलन लाती है और दे दनादन शुरू पड़ जाती है। कहती है, मैं तुझे 20 साल से टुकड़े डाल रही हूँ, कभी तूने तारीफ नहीं किया, पड़ोसन ने दो पराठे क्या भेज दिए, तारीफ पे तारीफ कर। दोस्तों, इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, आप हंसेंगे तो मेरा भारत हंसेगा। आइए, आप लोगों के दरमियान एक नौजवान शायर को मिस्रों के आपके रूप करता हूं कि आंखों के आंसुओं से तकल्लुम टपक पड़े, आंखों के आंसुओं से तकल्लुम टपक पड़े, होठों की खामोशी से तकल्लुम टपक पड़े। और शायर वो जादूगर है, लिखकर कोई गजल कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। इस्तकबाल कीजिए नौजवान शायर अली फाजिल आपके रूप, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं आपके हर दिल अजीज रूह रवा जनाब वसीम आर खान साहब और फजलुर रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका इनायत किया। और APJ अब्दुल कलाम साहब और मुख्तार अब्बास नकवी साहब के नाम से योम पैदाइश के नाम से मंसूब यह मुशायरा। हजरात गिरामी, जिस दिन APJ अब्दुल कलाम साहब जो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति थे, जिस दिन वफात पाए, तो उस दिन मैंने एक मतला कहा था। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ, इत्तेफाक से मुझे याद आ गया। इजाज़त एक बार वसीम आर खान साहब के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत शुक्रिया। मतलब यूं कहा था कि मिसाली थे मिसाइल मैन, था उनका मकाम आली। क्या कहने, वाह वाह। मिसाली थे मिसाइल मैन, था उनका मकाम आली, हजारों फन सिखाकर चल दिए अब्दुल कलाम आली। क्या कहने सब, वाह 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 वाह। हजारों फन सिखाकर चल दिए अब्दुल कलाम आली। आइए हजरात, अब मैं अपने मिजाज की शायरी आपको सुनाता हूँ और आप थोड़ा सा बेदार हो जाइए, क्योंकि मेरे बात से बड़े शौराए किराम का नंबर आना है, उनके लिए एक बार माहौल बना दीजिए। शेर समझ में आए या नहीं आए आप दाद दीजिए। राहत इंदौरी साहब कहते थे, शेर आज समझ में आए, कल समझ में आए, परसों समझ में आए, ये सब यूट्यूब पे देख लीजिएगा, लेकिन आज दाद दे दिए। यहां से अर्ज करता हूं कि निगाहें शौक तू अपनी निगाहों में छुपा के रख, निगाहें शौक तू अपनी निगाहों में, निगाहें शौक तू अपनी निगाहों में छुपा के रख, तेरी ऐसी मोहब्बत से हमारा दिल लरसता है। क्या कहने, और नहीं लगता बिना तेरे हमारा दिल, कसम रब की मोहब्बत से निभा ले दिल मोहब्बत को तरसता। वाह 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 वाह। नहीं लगता बिना तेरे हमारा दिल, कसम रब की मोहब्बत से निभा ले दिल मोहब्बत को तरसता है। और ये शेर इस तरह से कहा है, चंद मुतफर्रिक शेर सुनाता हूँ, मुलाजा फरमाए के बावफा तो बावफा होते हैं बस, बावफा तो बावफा होते हैं बस, ऐसे वैसों से शिकायत क्या करें। और खिड़कियां उसकी बहुत मायूस हैं। शेर मुलाजा फरमाए, इरशाद अली कि खिड़कियां उसकी बहुत मायूस हैं, वो नहीं है तो जियारत क्या करें। क्या कह दिए साहब। और
पास आओ तो कोई मौसम बने, पास आओ तो कोई मौसम बने, दूर रहकर हम मोहब्बत क्या करें, दूर रहकर हम मोहब्बत क्या करें। यहां से मैं गजल का मतलब अर्ज करता हूं, मुलाजा फरमाए। खिदमत माँ बाप से तू क्या से क्या हो जाएगा, क्या से क्या हो जाएगा। खिदमत माँ बाप से तू क्या से क्या हो जाएगा, क्या से क्या हो जाएगा। देखना देखना जन्नत में तेरा दाखला हो जाएगा, दाखला हो जाएगा। देखना जन्नत में तेरा दाखला हो जाएगा, दाखला हो जाएगा। और शेर मुलाजा फरमाए कि किस कदर सच्चाइयां हैं यार तेरी बात में, यार तेरी बात में किस कदर सच्चाइयां हैं यार तेरी बात में, यार तेरी बात में। आ जरा मैदान में फिर फैसला हो जाएगा, जरा मैदान में फिर फैसला हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। कि दास्ता बर्बादियों की क्या सुनाऊं दोस्तों, दास्ता बर्बादियों की क्या सुनाऊं दोस्तों, क्या सुनाऊं दोस्तों। दास्ता बर्बादियों की क्या सुनाऊं दोस्तों, क्या सुनाऊं दोस्तों। जो सुनेगा वो यकीनन गमजदा हो जाएगा, जो सुनेगा वो यकीनन गमजदा हो जाएगा, गमजदा हो जाएगा। और ये शेर की मुलाहिजा फरमाए गजल का इंशाअल्लाह कि चूड़ियां पायल ये तेरी शोर करती है बहुत, शोर करती है बहुत। चूड़ियां पायल ये तेरी शोर करती है बहुत, शोर करती है बहुत। धीरे 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 आ नहीं तो रत जगा हो जाएगा, रत जगा हो जाएगा। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए इरशाद कि इस तरह नजरें मुसलसल मत मिलाए अजनबी, मत मिलाए अजनबी। इस तरह नजरें मुसलसल मत मिलाए अजनबी, मत मिलाए अजनबी। दो दिलों के बीच कोई हादसा हो जाए, वाह 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 वाह।